कोडरमा में 25 दिसंबर 2004 में हुए सामूहिक नरसंहार में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 4 लोगों की नृशंस हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने 2 आरोपी को फांसी की सजा सुनाई, जबकि इस मामले में एक अन्य आरोपी सुनील यादव को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। बता दें कि फांसी की सजा पाने वाले आरोपियों के नाम संजय यादव और राम वृक्ष यादव है। और आज क्या सजा मिली है अभी तो? देखिए, 25/9/2004 की घटना थी, 7:30 बजे रात की, जिसमें कि 4 लोगों का निर्मम रूप से हत्या कर दी गई थी और उसी का आज अभियुक्त रामवृक्ष यादव और संजय यादव दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है। और इसके पूर्व में भी एक अभियुक्त को सजा हुई है, वह उच्च न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। मामला क्या था सर? मामला ये ऐसा है कि 20-25 आदमी हरवे हथियार से लैस होकर और सूचक कपिल देव यादव के घर में घुस गए थे और सबको निर्मम रूप से हत्या कर दिया गया और इनको कपिल देव यादव को मलवा पहाड़ी ले गया घिंचकर और वहाँ हत्या की गई और 3 व्यक्ति को उनके दरवाजे पर ही उनके घर में ही हत्या कर दी गई। मामला कितना निशंस था, किस तरह से हत्या हुई थी और मैंने जो सजा का ऐलान हुआ है? सजा का ऐलान इसलिए हुआ कि 3 आदमी की हत्या स्पॉट पर ही कर दी गई थी, लेकिन एक जो कपिलदेव प्रसाद थे उनको वहाँ कौन पहाड़ी है मलवा पहाड़ी ले जाकर और सर को धड़ से अलग कर दिया गया था, एकदम निशंस हत्या करें। इसीलिए माननीय न्यायालय ने इसे गंभीर हत्या मानते हुए ये सजा फांसी की सजा है, जिसमें रामबड़ी यादव और संजय यादव को फांसी की सजा दी गई है। न्यायालय पर लोगों का विश्वास बढ़ा है? बहुत बड़ा है, न्यायालय से मैंने विश्वास बढ़ा है, इधर कुछ दिनों में बहुत सजा हुई है। बता दें कि 25 सितंबर 2004 को सतगावा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी और अब करीब 16 साल बाद कोर्ट ने 2 अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोडरमा से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट।